अक्सर सीक्वल अपने पहले भाग की तुलना में कमजोर रहते हैं, लेकिन जॉली एलएलबी 2 इस मामले में अपवाद है। अक्षय कुमार अभिनीत यह फिल्म अपनी पहली फिल्म, जो कि एक अच्छी फिल्म थी, से आगे है। कानपुर का रहने वाला वकील जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली लखनऊ में एक वकील का सहायक है। वह अपना चेंबर चाहता है, लेकिन उसकी काबिलियत देखते हुए उसका बॉस उससे घरेलू काम करवाता है। अपना चेंबर खरीदने के चक्कर में वह एक विधवा हीना सिद्दीकी को धोखा देता है। हीना आत्महत्या कर लेती है और जॉली अपने आप को कसूरवार मानकर हीना का मुकदमा खुद लड़ने का फैसला करता है, जहां उसका मुकाबला शहर के नामी वकील माथुर से होता है। हीना के मामले का जब जॉली अध्ययन करता है तो उसे पता चलता है कि यह मुकदमा आसान नहीं है, उसे कई शक्तिशाली लोगों से लड़ाई मोल लेना होगी। किस तरह से जॉली जूझता है, यह फिल्म का सार है। फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले, संवाद और निर्देशन सुभाष कपूर का है। उनके लिए की कहानी ठीक है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने स्क्रीन प्ले और संवाद का कलेवर कहानी पर चढ़ाया है, वो फिल्म को खास बना देता है। स्क्रीन प्ले में तमाम तरह के उतार चढ़ाव हैं, जो फिल्म के शुरू होने से लेकर तो अंत तक दर्शकों को बांधकर रखते हैं। आधी फिल्म कोर्ट रूम ड्रामा है और एक कमरे से कैमरा बाहर नहीं निकलता है। यहाँ पर दर्शक बोर हो सकते थे, लेकिन फिल्म में कोर्ट रूम ड्रामा इतने मनोरंजक तरीके से पेश किया गया है कि दर्शकों का ध्यान कहीं नहीं भटकता। फर्जी एनकाउंटर कर प्रमोशन हासिल करने वाले पुलिस ऑफिसर्स की पोल भी फिल्म खोलती है। फिल्म यह भी बताती है कि किस तरह से व्यवस्थाएं ईमानदार को बेईमान और बेईमान को ईमानदार के रूप में पेश करती है। स्क्रिप्ट में कमियां भी है, जैसे कुछ बातें जॉली के लिए बेहद आसान कर दी गई है। उसे आसानी से सबूत हाथ लग जाते हैं और वह मुख्य अपराधी तक भी पहुंच जाता है। कहीं बात को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा कर बता दिया गया है, लेकिन मनोरंजन के बहाव में ये बातें छिप जाती है, दर्शक इनकी उपेक्षा कर देता है। निर्देशक के रूप में भी सुभाष कपूर प्रभावित करते हैं। जॉली सीरीज की टोन को उन्होंने बरकरार रखा है। उत्तर भारत के मिजाज को प्रस्तुत करने में उनका जवाब नहीं है। फिल्म का पहला सीन ही यहाँ की चरमराई व्यवस्था पर करारा तंज है। अदालत के भीतर और अंदर की बातों को भी बारीकी से पेश किया गया है। अंधेरे बदबूदार कमरों में किस तरह न्याय किया जाता है, फिल्म यह बात दर्शाने में सफल रही है। सुभाष कपूर ने फिल्म में मनोरंजन का ग्राफ कभी भी गिरने नहीं दिया है और इसके लिए उनकी तारीफ की जा सकती है। फिल्म जजों के दर्द को भी बयां करती है। 3 करोड़ मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं और 21,000 जज हैं, तो देर तो होनी ही है। अच्छे वकील, बुरे वकील और एक जज की जुगलबंदी बहुत कुछ फिल्म में बयां करती है। अक्षय कुमार के करियर की बेहतरीन फिल्मों में जॉली एलएलबी 2 का नाम शामिल रहेगा। अपने किरदार को उन्होंने बारीकी से पकड़ा है। एक मस्त मूला इंसान से एक संजीदा इंसान में तब्दील होने वाली बात को उन्होंने अपने अभिनय से दर्शाया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग भी बढ़िया रही है। अन्नू कपूर ने एक नामी वकील के रूप में वह सब कुछ किया है कि दर्शक उनसे नफरत करें, और यही उनकी कामयाबी है। सौरभ शुक्ला ने जज के रूप में दर्शकों को खूब हंसाया है। उनका नजदीक से पढ़ना, पौधे को पानी डालना, बिटिया की शादी का टेंशन और कोर्ट के माहौल को हल्का करने की कोशिश करना दर्शकों को खूब हंसाता है। होमा कुरेशी का रोल बड़ा तो नहीं है, लेकिन वे अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। हीना के रूप में सयानी गुप्ता ने बहुत उम्दा एक्टिंग की है। उनका वो सीन कमाल का है जब उन्हें पता चलता है कि जॉली ने उसके साथ धोखा किया है। फिल्म के अन्य कलाकार भी मजे हुए हैं। फिल्म के संवाद चुटिले हैं। गो पागल और बावरा मन गाने सुनने में अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर जॉली एलएलबी 2 ऐसी फिल्म है जो पहले से आखिरी सीन तक दर्शकों का मनोरंजन करती है। इस फिल्म को मैं 5 में से 3.5 स्टार देता हूँ।